हम होम मेकर्स को कभी भी लाइफ में छुट्टी नहीं होती है कभी भी आराम नहीं होता है अगर हमें कहीं वेकेशन पे जाना होता है तो हमारे पास जाने से पहले सौ काम होते हैं और वेकेशन पे से आने के बाद उससे डबल काम हो जाते हैं अगर हम उन कामों को कुछ स्मार्ट आइडिया के साथ करते हैं तो अगर हमें कभी कहीं बाहर जाना भी हो तो हमें काम का स्ट्रेस नहीं आएगा और ना ही घर में रहकर तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप आपके घर में फॉलो करके आपको 100 परसेंट रिज़ल्ट मिलेगा तो चलिए देखते हैं वो कौन से आइडियाज़ हैं तो यहाँ पर देखिए वेकेशन से आने के बाद इस तरह से हमारे बैग्स खाली हो जाते हैं जो भी हम लगेज ले जाते हैं तो उसे मैं हमेशा इस तरह से जो उसके साथ हमें बड़ा सा बैग मिलता है प्लास्टिक का बैग मिलता है तो उसी को मैं संभाल के रखती हूँ और उसमें उसे अच्छी तरह से जो भी ये बैग्स होते हैं इसे मैं इस तरह से कवर कर देती हूँ पैक करके और फिर इसे मैं जहाँ भी रखना होता है वहाँ रखती हूँ इस तरह से करने पे जब हमें अगली बार हमारे बैग की जरूरत पड़ेगी तो उसमें धूल मिट्टी नहीं लगी होगी कि फिर हमें पहले बैग की पैकिंग करने से पहले हमें बैग को क्लीन करना हो तो इस तरह से जब हम करके कामों को रखते हैं तो हमें बाद के लिए भी हमारा काम आसान हो जाता है और हमारी चीजें सही की सही बनी रहती हैं और यहाँ पे देखिए मैं मेरे जो भी ये इस तरह के बैग्स हैं और हैंड बैग्स होते हैं उन्हें सबको मैं बेड के अंदर रखना पसंद करती हूँ कि बिल्कुल धूल मिट्टी भी नहीं लगती है और कोशिश करती हूं कि सभी बैग्स को एक जगह पे रखूँ कि जब मुझे कभी ट्रैवलिंग के टाइम बैग्स लगे तो मैं यहीं पे आके इसी सेक्शन में सब चेक कर लूँ इस बार हम वैकेशन पे हिल स्टेशन पे गए थे और बाय कार गए थे तो कार में एसी लगाने पे भी ठंडा हो जाता है और हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ का भी वेदर काफ़ी ठंडा रहता है तो ट्रैवलिंग के टाइम मुझे ब्लैंकेट्स लगते हैं तो मैंने ब्लैंकेट्स लेके गए थे क्योंकि सीट पे पीछे की तरफ मैं थोड़ी देर लेट भी जाती हूँ क्योंकि लंबे सफ़र में पूरा दिन बैठने को भी नहीं होता है तो इस तरह से जो ब्लैंकेट्स मैंने ले गए थे उसे भी मैंने अच्छे से आने के बाद वॉश करके उसे भी इस तरह से पैक कर के रख दे रही हूँ इस तरह से जो छोटे मोटे हमारे काम होते हैं उसे हम तुरंत के तुरंत ही निपटा निपटा अगर देते हैं तो हमें आगे जाके उसका बर्डन नहीं आता है काम हमारे घर में काफ़ी सारे फैलते नहीं हैं और द, द, दस पंद्रह मिनट या आधे घंटे के काम की वजह से हमारे घर में पसारा भी नहीं होता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसी टाइम पर उन सब कामों को कर लूँ जिससे कि मेरा घर भी नीट एंड क्लीन बना रहे और घर में एक पसारा भी ना दिखे इसी तरह से ट्रैवलिंग से आने के बाद दुनिया भर के कपड़े हमारे घर में हो जाते हैं वॉश करने के लिए फ़ोल्ड करके रखने के लिए तो उसे भी मैं उन सब कामों को तुरंत ही करना पसंद करती हूँ पहले सभी बैग्स को मैं खाली करके उन्हें जगह पे रख देती हूँ क्योंकि घर में जब बैग्स के पसारे दिखते हैं तो हमें देख के खुद ही एक उलझन सी होती है तो सभी बैग्स पहले मैं खाली कर देती हूँ उसके बाद फिर जो भी कपड़े होते हैं उसे वॉश करती हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हस्बैंड के जो भी टी शर्ट्स थे उसे सभी को मैंने वॉश करके अच्छे से प्रेस करके और इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजर मैंने काफी दिन पहले लिया था काफी यूजफुल सा है तो इस तरह से ये प्लास्टिक के शीट जैसे होते हैं उसमें इस तरह से एक के ऊपर एक रख के उसमें आप इस तरह से जो टी शर्ट्स हो या शर्ट हो आप उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं तो काफ़ी यूजफुल सा है मतलब बिल्कुल फोल्ड नहीं होता है और जो भी टी शर्ट्स या शर्ट आपको निकालना हो सिर्फ आप वो शीट उठा के वहाँ से वो टी शर्ट या शर्ट आप ले सकते हैं दूसरे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो काफ़ी यूजफुल सा प्रोडक्ट है लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजर या इस तरह की चीजें एक दूसरे का देख के हमें नहीं लेना चाहिए अगर आपके घर में जरूरी वो चीज़ की ज़रूरत हो तभी आप उसे खरीदे अननेसेसरी बस एक दूसरे का देख के लेके अपने घर में पसारा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना पैसा वेस्ट करने की तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने ये सब टी शर्ट्स को ऑर्गनाइज कर दिया है तो काफ़ी अच्छे से अब ये ऑर्गनाइज हो गया है जब भी कभी कहीं बाहर जाना हो या यूज़ करना हो तो आराम से इसमें से टी शर्ट्स ले सकते हैं इसी तरह से जो बेटे का भी टी शर्ट्स है उन्हें भी अच्छे से मैं सेट कर दूंगी तो उसके लिए मैं इस तरह का ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ इसमें अच्छे से सेट करती हूँ यहाँ पे आपके घर में जिस तरह की ऑर्गेनाइज़र की नीड हो आप उस तरह के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से टी शर्ट्स को मैं यहाँ पर सेट कर दे रही हूँ साथ में जो उसके ट्रैक पैंट और शॉर्ट्स के जो सेक्शन है उसे भी मैं हाथों हाथ यहाँ पर क्लियर कर दूँगी यहाँ पर हमें जब भी हम कोई भी कपड़ों को कबर्ड में अपने अलमारी में सेट करने लगते हैं तो उसी टाइम पे हमें दस पाँच मिनट और एक्स्ट्रा दे के उनमें की जो भी चीज़ें जो कपड़े छोटे हो जाते हैं जैसे हमारे बच्चे अब अभ, अभी बढ़ते हुए बच्चे हैं तो उनके कपड़े काफ़ी जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं तो उसे भी आप टाइम टू टाइम उसे आप उसमें से कपड़ों को छाटते जाएँ अगर उनके छोटे भी कपड़े उसी में पड़े हैं और जो अभी करंटली वो यूज़ कर रहे हैं वो भी कपड़े उसमें पड़े हैं तो हमारे अलमारी में अननेसेसरी बहुत सारे कपड़े दिखने लगते हैं और उसकी वजह से फिर उसमें एक डिस्टरबेंस हो जाता है कपड़े फैलते जाते हैं तो साथ ही साथ जब भी आप कपड़ों को रखने के लिए जा रहे हैं अलमारी में तो उसी टाइम पे आप हाथों हाथ चेक कर ले कि कौन से कपड़े छोटे हुए हैं या कौन से कपड़े बच्चे अब पहन रहे हैं या उसे अब उन्होंने पहनना छोड़ दिया है तो उन कपड़ों को आप साइड में कर दे और किसी ज़रूरतमंद को दे दे इससे हमारे घर में एक मतलब क्लटर भी नहीं रहेगा और चीज़ें हमारी अच्छे से ऑर्गेनाइज और सेट रहेंगी जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और हमें उन सब चीज़ों को देख के स्ट्रेस भी नहीं आएगा इसी तरह से हमारी अलमारी ज़्यादातर फैलती है जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे अंडर गारमेंट्स हुए सॉक्स हुए इन सब चीज़ों की वजह से हमारी अलमारी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसे भी सेट करने के लिए मैं इस तरह से छोटे छोटे जो प्लास्टिक के इस तरह के देखिए बास्केट आते हैं काफ़ी सस्ते से आ जाते हैं अब तो हर जगह पर इस तरह के बास्केट ऑनलाइन ऑफलाइन मिलते हैं तो उसे मैं इस तरह से जो बच्चों के मेरे बेटे के या हस्बैंड के अंडर हैं उन्हें मैं सेट करने के लिए इसका यूज़ करती हूँ तो काफ़ी काफ़ी अच्छे से इसमें ये सेट हो जाते हैं और आराम से वो उसमें से ले पाते हैं नहीं तो इस तरह से अंडर गारमेंट्स अगर हम कहीं भी रखते हैं तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है एक उठाने के चक्कर में सौ यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं तो इस तरह से मैं उसे यहाँ पे सेट करती हूँ और यहाँ पे सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बहुत टाइम पहले मैंने लिया था तो इसमें सेट कर देती हूँ तो इस तरह से सेक्शन बने हुए हैं तो उसमें आराम से जो भी सॉक्स है मेरे बेटे का उसे मैं इसमें सेट करके रख देती हूँ

फसल आते हैं बॉक्स के अमेजोन के फ्लिपकार्ट के उस बॉक्स का यूज़ किया है मैंने उनके अंडर गारमेंट्स रखने के लिए और सॉक्स रखने के लिए इस तरह से छोटा सा ये बास्केट था उसमें इस तरह से रोल करके रख दे रही हूँ तो इस तरह से जब चीज़ों को हम जो छोटी थो, थो, मोटी होती है उसे सेट करते हैं तो अच्छे से हमारी अलमारी सेट भी रहती है और चीज़ें बिखरती भी नहीं है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वैकेशन से आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ वहाँ सेट करनी होती है तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ईयर भी जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो भी हम लेडीज़ लेके जाते हैं कि कुछ हमें कभी दिल किया तो पहनने के लिए लगे तो वो सब चीज़ों को भी यहाँ मुझे सेट करना था जगह पर रखना था तो जो भी इयर ये सब मैंने ले गए थी तो उसे मैं सेट करने के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ काफ़ी यूज़ सा है इसमें इस तरह इस से सभी इयरिंग को अलग अलग सेपरेट करके जब रख दो तो आराम से जब भी हमें ज़रूरत होती है तो आराम से उसमें से ले सकते हैं तो इसे सबको मैं इसमें सेट कर दे रही हूँ साथ में जो भी छोटे मोटे पाउच या पर्स मैंने ले गई थी वो सब चीज़ों को उसे मैं इस तरह से ये भी मैंने डी करके ही बॉक्स बनाया है तो इसमें इस तरह से उसे सेट कर दे रही हूँ कि सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रहेगी अगली बार जब भी मुझे रेगुलर यूज़ में या कहीं जाने के लिए ज़रूरत हो तो आराम से मैं उसमें से ले सकूँ और चीज़ें मेरी हर जगह पर अपनी अपनी जगह पर सेट हो जैसे कि मैं हमेशा ही कहती अगर हम घर में हर चीज़ की एक जगह बनाते हैं तो वो जगह बन बन जाती है है उनका वो घर बन जाता है, तो वो घर जाता तो चीज़ें वहीं पर हमेशा सेट हो जाती है और हमारे दिमाग में मतलब नींद में भी हमसे कोई पूछेगा कि ये चीज़ कहाँ है तो हमें फटाक से याद आ जाती है कि ये चीज़ यहाँ पे है और हमारे घर में हर मेंबर को भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है तो ना हमें चीज़ों को ढूंढना पड़ता है ना हमारा टाइम वेस्ट होता है ना हमारी एनर्जी वेस्ट होती है हम औरतों को छोटी बड़ी अपने घर की हर चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है जैसे कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बीपी की दवा दिन में दो बार खानी रहती है तो वो दवा अक्सर भूल जाया करते थे कि मैंने दवा खाई है या नहीं खाई है कभी कभार खाए भी रहते थे तो उन्हें लगता था मैंने नहीं खाया है तो वो डबल खा लेते थे तो इस चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते थे तो मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया जिसमें इस तरह से आप मेडिसिन रख सकते हैं आप दिन में अगर तीन गोली खा रहे हैं तीन दवा आपके घर में कोई खा

है तो वो उसमें चेक कर लेते हैं अगर उस दिन की दवा उसमें पड़ी है तो मतलब उन्होंने नहीं खाई रहती है तो फिर वो लेके खा लेते हैं तो काफी यूजफुल सा ये वाला ऑर्गेनाइजर मुझे लगा तो इसमें मैं इस तरह से पूरे हफ्ते की दवा सेट कर देती हूँ जो आराम से वो उसे कंज्यूम कर पाते हैं कड़ी पत्ता हमारे घर में काफ़ी यूज़ होता है किसी भी रेसिपी में उसे जब हम डाल देते हैं तो वो हमारे रेसिपी का फ्लेवर बढ़ा देता है तो यहाँ पे हम कितना भी कड़ी पत्ता को कितने भी अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं तो वो एक काला पड़ जाता है और उसकी जो अच्छी वाली खुशबू होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है तो यहाँ पर मैं जब बहुत सारे कड़ी पत्ता मेरे घर में आ जाते हैं तो मैं उसे इस तरह से ड्राई कर, कर लेती हूँ एक दिन ऐसे ही पूरे जो भी डंठल है उसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ उसके बाद उसे मैं ड्राई हो जाने के बाद उसे इस तरह से किसी भी कंटेनर में करके रख देती हूँ और आराम से इसे आप बाहर कभी भी आ, मतलब बाहर रख दीजिए और जब भी आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं उसका जो एक खुशबू होती है वैसी ही बनी रहती है और इस तरह से जब वो क्रिस्पी हुआ रहता है तो उसे हम मसल के भी डाल सकते हैं ये बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है कड़ी पत्ता तो वैसे अगर हम डालते हैं हरे कड़ी पत्ता को तो बच्चे उसे निकाल के फेंक देते हैं तो इस तरह से जब रख देते हैं उसे मसल के डालते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि उसमें मतलब कड़ी पत्ता डाला हुआ है तो काफी यूजफुल हो जाता है इस तरह से सो so फ्रेंड ये था मेरा आज का वीडियो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी मुझे कमेंट करके आप जरूर आपके सजेशन जरूर दिया करें आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं तो इस तरह से था मेरा आज का वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ब बाय